आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो आगामी एग्जाम सीजी व्यापम लेवल इंस्पेक्टर यानी कि श्रम निरीक्षक सहायक पदाधिकारी का जो एग्जाम होने वाला है। मात्र आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 5 से 10 दिन बचा होगा। तो करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो 5 से 6 नंबर ऐसे ही करंट अफेयर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सिलेक्टेड क्वेश्चन टॉप 20 एमसीक्यू, जिसमें आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न पर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। आज की क्लास छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। ऐसे ही पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे वीडियो लेकर आएंगे जो आपके पास एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हाल ही में अभी एग्ज़ाम होने वाला है 34 पदों पर भर्ती, जिसका एग्ज़ाम कब होगा 24 जून का। कौन सी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, श्रम निरीक्षक यानी कि लेबर इंस्पेक्टर भर्ती की बात कर रहा हूँ, जिसका एग्ज़ाम आपका 24 जून का है। इसीलिए मैं करंट अफेयर क्लास लेकर आया हूँ। करंट अफेयर का पहला वीडियो यानी कि पहला पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पार्ट 2 वीडियो, जिसमें आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत ही एग्जामों में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे व्यापम हो चाहे PSC हो, ठीक है। तो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का MCQ वन लाइनर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर ऐसे ही आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा यही प्रश्न आएगा, लेकिन ऐसे रिलेटिव क्वेश्चन आएगा और ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करें। छत्तीसगढ़ डेली मंथली करंट अफेयर लेकर आता हूँ, तो पार्ट 1 वीडियो मैंने करा चुका हूँ, पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2023 का। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल 30 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल वन लाइनर के तौर पर, बिल्कुल इसको याद करके जरूर जाइएगा, ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के किन जिलों में जियो 5G सेवा शुरू की, याद रखना हमेशा कि छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला है जिसमें 5G अब स्टार्ट कर दिए गए, 5G जियो सिम, जिसमें रायपुर और दुर्ग भिलाई, ठीक है, रायपुर दुर्ग भिलाई, ऐसा याद रखना। जियो 5G शुरू कब कर दी गई है, कौन से जिले से, तो रायपुर, रायपुर के बाद आपको भिलाई, भिलाई के बाद दुर्ग है, ठीक है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में कहाँ कास्मा एक्सपो 2023 ट्रेंड एंड बिल्ड अफेयर का शुभारम्भ किया गया है, वो आपका हो जाएगा रायपुर में। इसके बाद हम देखते हैं कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष में यानी कि 2023 में कितने मैट्रिक धान की खरीदी किया गया है, 100 लाख मैट्रिक टन, याद रखना। जो टॉपिक मैं कवर लेकर आया हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है, कंबाइनेट के रूप में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आपको नहीं करना है तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए अब देखते हैं इसके बाद, काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, छत्तीसगढ़ के किसने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊँची चोटी माउंट एकागुआ की चढ़ाई कर ली है, तो चित्रसेन साहू। उसी पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन है, तो संतराम नेताम जी, इसको याद रखना। अभी जो उपाध्यक्ष बने हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन है, संतराम नेताम जी हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहाँ गोबर से बिजली बनाने का प्लांट लगने जा रहा है, डोंगा घाट में, याद रखना। जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, जो मैं कवर लेकर आया हूँ, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देख के जरूर जाना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है करंट अफेयर की क्लास, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर ही आया हूँ। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो संतराम नेताम जी हैं, ठीक है। अब गोबर की बिजली बनाने का प्लांट कहाँ है, डोंगा घाट में। कभी भी याद रखना कि गोबर से बिजली बनाने का जो प्लांट लगने जा रहा है आपको कौन सा हो जाएगा, डोंगा घाट। छत्तीसगढ़ में MADA चित्रों की संख्या कितनी है, 9। चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं, गोबर से पेंट बनाने की कितनी यूनिट लगने जा रही है, गोबर से अब पेंट बनाएंगे, है ना, है ना, कलर वगैरह बनाएंगे, तो कितनी यूनिट, 37। अब चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कितने खेल को शामिल किया गया, छत्तीसगढ़ भी हाल ही में ओलंपिक हुआ, उसमें 14 खेल को शामिल किया गया है, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में पूछता है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ का पहला डॉपलर रडार कहाँ जाने लग रहा है, डॉपलर रडार कहाँ लगने जा रहा है, रायपुर में। छत्तीसगढ़ में कबीर शोध संस्थान बनने जा रहा है रायपुर में।
छत्तीसगढ़ के किस जिले में हाथी मित्र पाठशाला शुरू हुआ है? याद रखना, हाथी मित्र पाठशाला आपका जसपुर में शुरू हुआ है। ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ वन लाइनर, जो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए कह रहा हूँ अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है? पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सखी वन स्टॉप सेंटर का हेल्पलाइन नंबर 181 है, याद रखना। केंदा घाटी किस जिले में स्थित है? बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के किस नदी पर डेविल फिश मिली है? पैरी नदी पर। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नदी पर डेविल फिश मिली है? पैरी नदी। झुमका जल महोत्सव 2023 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? याद रखना, झुमका जो रहेगा हमेशा ना कोरिया जिला में, ठीक है? कोरिया झुमका जल महोत्सव, झुमका जल महोत्सव 2023 का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? वीडियो को अच्छे से याद कर लीजिएगा, हर बार एक से दो बार प्रश्न जरूर पढ़िएगा। झुमका जल महोत्सव 2023 का आयोजन किस जिले में? कोरिया। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में 38 दांतों वाली नारंगी चमगादड़ मिली है कांकेर घाटी नेशनल पार्क में, याद रखना। 38 दांतों वाली नारंगी चमगादड़ मिली है, कहाँ मिली है? कांकेर घाटी नेशनल पार्क में, ठीक है? चलिए फटाफट करते हैं कि सीएम भूपेश बघेल ने माता बहादुर कलारिन पुरस्कार, माता बहादुर कलारिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए गए हैं? वीरता के क्षेत्र में। एक बार फिर से याद रखिएगा, सीएम भूपेश ने माता बहादुर कलारिन पुरस्कार, माता बहादुर याद रखना, जो माता बहादुर कलारिन पुरस्कार है वीरता के क्षेत्र में। राष्ट्रीय जूनियर व सीनियर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, किसने? ज्ञानेश्वरी यादव, याद रखने पर फिर से मेरे साथ दोहराइएगा कि राष्ट्रीय जूनियर व सीनियर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय जूनियर व सीनियर याद रखिए, एक बार फिर से कहिएगा, जूनियर व सीनियर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ज्ञानेश्वरी यादव, ठीक, याद रखना। एक बार फिर से, सीएम भूपेश ने के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने माता बहादुर कलारिन पुरस्कार, ये याद रखना, माता बहादुर कलारिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जा रहे हैं? वीरता के क्षेत्र में। बहादुर है ना, बहादुर से याद रखना, माता बहादुर कलारिन पुरस्कार वीरता के लिए दिया जाएगा, बहादुर है तो वीरता को मिलेगा। उसी पर जूनियर और सीनियर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता पुरस्कार अब खिलाड़ी स्वर्ण पदक किसको मिला? ज्ञानेश्वरी यादव। और छत्तीसगढ़ का राज्य का पहला मानव विज्ञान संग्रहालय, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मानव विज्ञान संग्रहालय आपको बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है कवर्धा यानी कि भोरमदेव में, ठीक है? उसके बाद वर्तमान में खरीफ मार्केटिंग सेंटर पूल में सबसे अधिक धान जो जमा हो ना, और देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, याद रखना। और छत्तीसगढ़ के कटघोरा विधानसभा में रंजना गांव का नया नाम किसके नाम पर किया गया? राजीव गांधी रंजना के नाम पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर राज्य के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण, पहले क्या है बाल में, बलरामपुर में राज्य के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण कब किया गया? 14 जनवरी 2023 को, ठीक है? उसी प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर देखिए पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किया था बलरामपुर जिले में। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के किस जिले में 2023 में सरस्वती साहित्य सम्मान दिया जाएगा? डॉक्टर संजय अलंग में। शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय यानी कि तखतपुर का नामकरण किनके नाम पर घोषणा की गई? रानी दुर्गावती, याद रखना। एक बार फिर से, शासकीय जो नवीन कन्या महाविद्यालय है तखतपुर के नाम पर किनके नाम पर किया गया? रानी दुर्गावती। फिर से चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले 4 सालों में मदद बीज से उत्पादन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 20% के, मात्र 4 सालों में 20% की वृद्धि हुई है। जबकि छत्तीसगढ़ के किस जिले में गुरु शिष्य योजना का शुभारंभ किया? कोंडा गांव में, है ना? छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कितने गांवों में गार्ड थानों का निर्माण स्वीकृति प्रदान किया गया है, ठीक है? तो 10,894। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने होलसेल कॉरिडोर के लिए कितनी एकड़ भूमि मंजूरी दी है? 1,000 एकड़, ठीक है? उसी प्रकार स्वरा भास्कर वेब सीरीज में मिसेज फलानी के कलाकार कौन सी भाषा बोलेंगे? छत्तीसगढ़ी। बार बार पूछा जा रहा है शहीद पार्क 14 जनवरी को। उसी पर छत्तीसगढ़ किस राष्ट्रीय उद्यान नारंगी रंग का चमगादड़ मिला? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कितने दांतों का? 38 है ना, 38 दांतों की, ठीक है? याद रखना, जो नारंगी रंग की जो चमगादड़ मिला कितने दांत का मिले है? तो 38 दांत, याद रखना, 38 दांत का नारंगी रंग का है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। और अनिमिया एमिया मुक्त भारत अभियान छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान मिले? 3रा स्थान, ठीक है?
जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 1,27,000 हेक्टेयर पर मिलेट्स की खेती की जाएगी। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिक सहायता योजना राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। महत्वपूर्ण, इसको याद रखना, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिक सहायता योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिक सहायता योजना, और ये एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा, देखिए एग्ज़ाम में आपका श्रम निरीक्षक का जिस श्रम पाठ से आपका 15 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें यहाँ से 1 नंबर बनेगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिक सहायता योजना की जो राशि है 10,000 पहले था, अब उसको कितना कर दिया है, 20,000 रुपया कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारी 2023 में कब तक चावल निःशुल्क देने का निर्णय किया, दिसंबर 2023 में। हाल ही में राज्य के किस स्थान पर ऐतिहासिक सिक्के मुगल कालीन आभूषण मिले हैं, बड़गांव में, और वन विभाग को क्या सौंपा गया है, एवीरी चलाने को, ठीक है। पुनः नाक्रोम अभियान का संबंध राज्य किस जिले से है, सुकमा। अब पटेल उमेश कौन है, रोजगार मिशन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बेरोजगारी जो भत्ता दिया जा रहा है, बेरोजगारी भत्ता कब से दिया जा रहा है, कब से प्रारंभ किया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कितना रुपये दिया जा रहा है, 2,500 रुपये दिया जा रहा है, और 2 साल से पहले का पंजीयन होना अनिवार्य है, ठीक है। रोजगार जो पंजीयन कराया हो ना, 2 साल से ऊपर पंजीयन करना आवश्यक है। और साथ ही ये प्रारंभ कब किया गया, बेरोजगारी भत्ता कब प्रारंभ किया गया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा कुछ और क्वेश्चन। कोसार डेरा जलाशय किस जिले में है, बस्तर। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फोर्टिफाइड राइस का वितरण कब से किया जाएगा, 2023 में अप्रैल में। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा तैयार की गई झांकी की थीम क्या है, मिलेट मिशन, ना याद रखना। और देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री श्रमिक जो सियान योजना था, वो श्रमिक दे राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 20,000 रुपये, पहले कितना था, 10,000 रुपये, ठीक है। वर्तमान स्थिति में सर्वाधिक गौमूत्र की खरीदी करने वाला जिला कौन सा, जांजगीर चांपा। सबसे ज़्यादा गौमूत्र की खरीदी करने वाला जिला जांजगीर चांपा है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ विधानसभा में उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 में विधायक किसे चुना गया, संत राम नेताम को चुना गया है। छत्तीसगढ़ के पहले एथेनॉल प्लांट आपका कहाँ था और कहाँ पर किया जा रहा है, भोरमदेव कवर्धा में, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के हितग्राही को द्वारा 5 एकड़ भूमि पर 5,000 तक पौधे रोपे जाने पर कितना अनुदान देगा, 100%। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत कितने प्रकार की मुहैया कराई जा रही है, 13 प्रकार की, ठीक है। चलिए आज के लिए देखिए एक मिनट ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कुल कितने रुपये राशि प्रावधान है, 25,000। अब उसको कितना कर दिया, बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया गया, याद रखना, ठीक है। ये महत्वपूर्ण था। वीडियो आपको कैसा लगता है अगर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसी और भी वीडियो हम लेकर आएंगे। तो चलिए आज